रोप वे बीच में रुक गया है। मैं तो वैसे ही डरी पड़ी थी। तो अभी यहाँ सिक्योरिटी वाले से हमने पूछा, ये भाई है वो बोल, जब वो चंपानेर का जो गेट आता है जिससे हम अंदर एंटर होते हैं, उससे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा रोड आएगा, उस रोड से आप अंदर आओगे तो ये जगह पे आप आ जाओगे। कुछ नहीं दिख रहा यहाँ पे, पूरा ऐसा लग रहा है बादलों में घूम रहा है। ये ऊपर यहाँ पे मंदिर है और ये देख, एज यू कैन सी गाइस, पूरा कोहरा ही है। नीचे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। परफेक्ट वेदर है यहाँ पे घूमने के लिए, इतनी थोड़ी गर्मी है बट हवा भी चल रही है और पूरी जगह पे फॉग है। दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ से। इतने लेवल तक यहाँ पे फॉग है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस रोपवे में, बैठ के नीचे जाएंगे। जितना बड़ा रास्ता है उतनी बड़ी बाजार है, लास्ट तक एंड तक बाजार है। बहुत सारी अलग अलग वैरायटी वाली चीज़ें मिलती है, टिपिकल जो मंदिर के आसपास मिलता है वो सब मिलता है। सभी शॉप्स खुल गई है और आज सैटरडे तो कम ट्रैफिक है बट आई गेस संडे तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक, इससे 2 या 3 गुना ज़्यादा ट्रैफिक आराम से होगा संडे को। जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही दूर लगेगा, बहुत ही दूर पड़ेगा, थक जाएंगे, बट आसानी से ऊपर पहुँच गए। अभी हाफ वे तो क्रॉस कर लिया है, बस रोपवे के पास ही पहुंचने वाले हैं। सो अच्छा रहा अभी तक का सफ़र, इतना भी टायर्ड नहीं है। अगर आपके पास रोपवे का टिकट है तो यहाँ से जाना है, अगर आपके पास रोपवे का टिकट नहीं है उतर के जाना है तो यहाँ से आप उतर सकते हैं नीचे। बीच में रुक गया है। मैं तो वैसे ही डरी पड़ी थी। रुपए क्या? नहीं नीचे आके रुका, चले कूद सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चली गई क्या? इतना सा ही नीचे है, ज्यादा दूर नहीं है, वही है स्टेशन। उड़न खटोले से हम नीचे आ चुके हैं। कहाँ? उड़न खटोले से हम नीचे आ चुके हैं। मजा आ गया उड़न खटोले में? मजा आ गया उड़न खटोले में, और वहाँ पे बीच में आपने देखा मैंने पोस्टर का एक सीन लिया था कि जूनागढ़ में भी रोपवे जल्दी स्टार्ट हो रहा है, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग, जल्दी जूनागढ़ में स्टार्ट होगा। जैसे जूनागढ़ में स्टार्ट होगा वहाँ भी जाएंगे रोपवे की राइड लेने के लिए। और रोपवे से जैसे आप एग्जिट करते हो यहाँ पे बढ़िया सा फूड कोर्ट है, सब लोग खा सकते हो। हम तो यहाँ पे नहीं खाने वाले बट फूड कोर्ट है, सो यू कैन हैव स्नैक्स और लंच भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो फाइनली हम लोग नीचे आ गए, आधा ट्रैकिंग था और आधा मास्क कपड़े सब भीग गए, हम पूरे भीग गए, आधा ट्रैकिंग था और आधा उड़न खटोले में गए हम लोग। नहीं नहीं नोट्स ले लो, जब भी ऐसे मंदिर आओ तो ना एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े। हाँ एक जोड़ी कपड़े लेके आओ अगर ऐसी ऐसा मौसम ऐसे है तो, मौसम में, हाँ, ऐसे मौसम में अभी बाहर भी नहीं हो रही, गर्मी बहुत है, उमस है, बट मज़ा आ गया। नीचे उतर गए और वहाँ से नीचे हाँ, और दो बैटरीज चली गई मेरी GoPro की, ये बस कुछ 8-10% पे बचा है। तो अभी हम लोग आ गए iPhone 11 पे ब्लॉगिंग करने के लिए और ये एक बीच में जगह है, जब आप नीचे या फिर ऊपर जा रहे हो तो बीच में आएगी, सात कमान करके है, इसमें सात ऐसे दरवाजे जैसा बने हुए हैं, बहुत ही मस्त है। और अगर आप एक फोटोग्राफर इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो क्लिक करना चाहते हो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू क्लिक अ फोटो फॉर इंस्टाग्राम। मैं भी आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी जगह है। अभी लग रहा है इसका स्ट्रक्चर वीक हो गया या फिर मुझे लगता है कोई कंस्ट्रक्शन काम शुरू है, रिकंस्ट्रक्शन टाइप शुरू है। यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है, वीडियो में पता नहीं आपको दिखेगी या नहीं। तो यहाँ पे जो सात दरवाजे उसके अंदर तो हम लोग नहीं जा सकते बट यहाँ से आप देख सकते हो।
जब 1.5 साल पहले आए थे तो वहाँ पे जाके हमने फ़ोटो खिंचाई थी, बहुत ही अच्छा व्यू आता है। पर अभी तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम शुरू है, पता नहीं ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर तोड़ रहे हैं, पर ये पूरा बंद है। तो अभी यहाँ सिक्योरिटी वाले से हमने पूछा, ये भाई है वो बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है जिसलिए बंद है। कितने दिन तक ये शुरू हो जाएगा अप्रॉक्स? तो क्या पता, अभी बंद है अभी तो पता नहीं, पर लास्ट 1.5 साल पहले जब हम लोग आए थे तब वहाँ तक जाने दे रहे थे, अभी तो यहाँ पे पूरी रस्सी है। तो अभी आप प्लान कर रहे हो सात का मान रिसेंट टाइम में आने का, तो मत आना, कंस्ट्रक्शन काम शुरू है, तो रुक के कोई फ़ायदा नहीं इतना। तो ये पूरा ऐसे जिगजैग वाला रोड है, नीचे से ऐसे गोल जाता है वहाँ नीचे, और ये जो सामने आप देख रहे हो वो शायद कोई लेक है, और ये पूरा नीचे सिटी है। बहुत ही मस्त नज़ारा है, और वहाँ पे मंदिर है ऊपर जहाँ से हम लोग आए, जो क्रेन दिख रही है आपको ये मंदिर है। और गाड़ियाँ मस्त स्पीड में, मज़ा आता है इस, अगर कार लेके या फिर बाइक लेके इस रास्ते पे आओ तो बहुत ही मज़ा आएगा। ऊपर तक का जो सफ़र है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप चांपानेर का जो गेट आता है जिससे हम अंदर एंटर होते हैं, उससे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा रोड आएगा, उस रोड से आप अंदर आओगे तो ये जगह पे आप आ जाओगे। पैक है वैसे, बंद है, बट आप आ सकते हो, फोटोग्राफी अलाउड है, बहुत ही मस्त है। आई गेस 2 या 3 मीनार थे, अभी ये एक ही बचा है ऐसा कुछ, बट अगेन फोटोग्राफी और इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट जगह है, बहुत ही मस्त है। और इसके बैकड्रॉप में पीछे जो है पहाड़ है, बहुत ही ऑसम लग रही है जगह। आई नो ये कैमरे पे इतना जस्टिस नहीं कर रही होगी, जगह कितनी अच्छी है यार, बट बहुत ही शांति है, कैमरे पे इतनी जस्टिस नहीं कर रही है, पर बहुत ही ब्यूटीफुल और शांत जगह है। तो घूमने आ रहे हो चांपानेर के आसपास, फोटोज क्लिक करनी है, अच्छी जगह चाहिए, शांत वाली, बहुत क्राउड ना हो, देन डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। अगर आपको ये फोटोज़ चेक करनी है तो इंस्टाग्राम की अभी लिंक आ रही होगी मेरी और आशु की, आशु यहाँ पे कैमरे से क्लिक कर रहा है, तो पिक्चर अगर आपको देखने देन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आपको इन सब की पिक्चर्स मिल जाएगी। मस्जिद है जो अभी हमने देखी, वो तो एक ही मीनार है, काफ़ी सालों से टूटा हुआ है ऐसे ही। अब सिक्योरिटी वाले से हमने पूछा क्या टूटा, कैसे टूटा, वो पता नहीं है उसे, बट वो बोला था जब से वो यहाँ पे तब से ऐसा ही है। तो एक ही मीनार बचा है, पूरी मस्जिद अभी वो टूट गई है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, और ये है इसका रास्ता जहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। रास्ता जहाँ से आप आ सकते हो, यहाँ पे से राइट टर्न है, यहाँ से अंदर राइट टर्न है जहाँ से आप आ सकते हो, और पीछे की तरफ है वो गेट है चांपानेर का, तो उससे पहले आ जाएगा लेफ्ट टर्न अगर आप जा रहे हो तो। सो गाइस अभी हम लोग रुके होटल हेरिटेज में चाय नाश्ता करने के लिए, थोड़ी भूख लगी है, और फिर यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जाएंगे अहमदाबाद गांधीनगर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए उसके सबसे पहले अपडेट आपको मिले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, हैव अ ग्रेट डे।